Yeah, one of their breasts is removed. Now, a lot of patients start using a breast prosthesis because they have a lot of body image, self-esteem issues आते हैं, symmetry नहीं होती है body के, तो उनको breast prosthesis use करके अच्छा लगता है. बट एक और फैक्टर होता है कि जब आपका ब्रेस्ट रिमूव होता है तो जो वेट है उसके साथ वो भी रिमूव हो जाता है. तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आपके पास वेट है और दूसरी तरफ आपके पास वेट नहीं है. तो जो आपका ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस होता है वो सिर्फ आपकी बॉडी को सिमिट्री नहीं लेके आता, बट आपकी बॉडी को बैलेंस भी करना चाहिए. वरना क्या होगा कि आपके लॉन्ग टर्म में आपका शोल्डर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, स्पाइन के अंदर तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी और एक क्रॉनिक बैक एक शुरू हो जाएगा. बेसिकली आपका आपका पोस्चर खराब हो जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रोस्थेसिस हैज सम वेट इनसाइड इट. नाउ सम टिप्स टू लिम्फेडीमा पेशेंट्स. सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर इन जनरल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स को अंडरवायर्ड ब्राजीर पहननी अवॉइड करनी चाहिए एट ऑल. स्पेशली अगर आपका लिम्फेडीमा की प्रॉब्लम है देन यू शुड नॉट वेयर एन अंडरवायर्ड ब्राजीर. यू शुड नॉट वेयर वेरी टाइट क्लोथ्स ऑन योर चेस्ट, ऑन योर आर्म ऑलवेज. एंड नॉट टू कंफ्यूज दिस विद अ कंप्रेशन गार्मेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आपको थोड़ा आप क्या किस तरीके के ब्राजीर पहन रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. देन सेकेंड इज, एज आई टोल्ड यू, योर प्रोस्थेसिस शुड हैव सम वेट. बट just after your surgery, after consulting your doctor, of course you can wear lightweight prosthesis. Even your lymphedema, when you're feeling very uncomfortable, you can switch to a lighter weight prosthesis for a shorter period of time. But for long term you should wear a medium weight or a heavyweight breast prosthesis, jaise your body gets balanced. Now there are different kind of breast prosthesis available. There are foam based. फोम बेस्ड जो है सबसे लाइट होते हैं एंड जनरली दे आर टोल्ड टू बी अवॉइडेड बिकॉज दे कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन समटाइम्स टू द पेशेंट्स. देयरफॉर इवन इफ शॉर्ट टर्म इफ यू वांट टू वेयर अ लाइट वेट ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस, प्रेफरेबली वेयर अ फैब्रिक बेस्ड लाइट वेट ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस. देन देर आर सिलिकॉन वंस ऑल्सो अवेलेबल. ये काफी टाइम से अवेलेबल है और थोड़े लेकिन थोड़े से ये एक्सपेंसिव होते हैं कुछ पेशेंट्स को लगते हैं और थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं. बट अगेन इन लॉन्ग टर्म यू कैन डेफिनेटली यूज अ सिलिकॉन बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस. एंड ऑल्सो देर आर सर्टन फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस दैट आर कंफर्टेबल एज वेल एज दे कैन बी वोन इन शॉर्टर टर्म एज वेल एज इन द लॉन्गर टर्म. सो आप मीडियम वेट के फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी यूज कर सकते हैं. सो कैनफेम जो है हम लोग मीडियम वेट के ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी बनाते हैं, लाइट वेट के भी बनाते हैं. दिस कम इन वेरियस शेप्स एंड कलर्स एंड वी इवन मेक स्पेशल पॉकेटेड मैस्टेक्टमी ब्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग जो एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी हेल्प पेशेंट्स गेट कनेक्टेड टू पीयर सपोर्ट ग्रुप्स. हम लोगों के खुद के भी पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हैं एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस एज अ पीयर काउंसलर देन वी कैन प्रोवाइड यू ट्रेनिंग एंड देन यू कैन हेल्प अदर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एंड ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हु आर सफरिंग अ सिमिलर जर्नी एज यू डिड. यू कैन हेल्प देम विद योर एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम आर साइड विच वुड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. Secondly, the other organization called Win Over Cancer, they help breast cancer patients, actually all cancer patients and cancer survivors to get skill development training, and then they also help them to get in back into the job market, to get back into employment, and if they want to start a business, then with the help of our network, we also provide them some kind of guidance upon how you can start your own businesses and everything. So if you are a breast cancer patient or a breast cancer survivor, you can reach out to us. We can help you out by connecting you to other breast cancer patients, other peer counselors, and even sometimes doctors. And of course, in any other way, if you want our help. Thank you. It was great. Today, I was very fortunate to talk to Navneet, Dr. Seema Goyal, Dr. Pendarkar sir, Dr. Sanjay, my friend, Dr. Vinita, Anna, and Nirav Maharaja. And we are having good knowledge from Akriti also. Now, I would like to request Dr. Rajesh Sharma. I call him Rajesh. Rajesh is a good friend and he is a managing trustee of Manage Health. Now, I have to request him that why not we create a second program where we give them complete information about rehab and vocational guidance. But I cannot forget Dr. Seema Goyal. She has to be all the time on board for any breast awareness program, rehab, and anything and everything about that. And I would love to have Anna. But Anna, you have to learn Hindi, you know. You are a Mallu, I know. But you are a very, very intelligent physio.
I know that you are very busy physio, but still you have to spare some time for the people of this country and those who have survived and fighting cancer. Once again, thanks God for allowing us to do this wonderful program. Once again, thank you, Rajesh, and all faculty members. Thank you very much. Boliye madam, aapko kuch bolna hai, Vinita madam? सर मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम ना प्रैक्टिकली डॉक्टर नवनीत को और डॉक्टर अन्ना को बोलते हैं कि सब लोगों को सिखाएंगे कि कैसे करना है एक्सरसाइजेस और ड्रेनेज प्रोसीजर्स ये सब चीजें ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो प्रैक्टिकली सीख सके. ठीक है दे आई मीन अन्ना यू एंड नवनीत शुड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल वीडियोस यू नो सो दैट वुड बी गुड बिकॉज़ मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट अंडरस्टैंड यू नो माइट नॉट नो हाउ एग्जैक्टली एंड देन विद स्पेसिफिक पॉइंट्स यू नो. So that becomes easy. They can put that tape on home and they can see and do it. Ma'am, कुछ कहना चाह रही थी डॉक्टर सीमा आप अनम्यूट करें आप कुछ कहना चाह रही थी. मैं बस यही कहना चाह रही थी कि मेरे को आज की वर्कशॉप में एक तो इन्होंने जो टेप्स के बारे में बताया वो मुझे भी नहीं मालूम है. तो मुझे नहीं मालूम है तो कितने सर्वाइवर्स को पता होगा. आई डाउट इट. लिम्फेडीमा तो अच्छा खासा रैम्पेंट है. मैं जब वर्कशॉप्स में जाती हूँ तो कईयों के हाथ में अच्छा खासा लिम्फेडीमा होता है. तो अब जब ऐसा कुछ हमें सिखाएंगे तो जब मुझे एम्पावर करेंगे तो मैं आगे भी लोगों को एम्पावर कर सकती हूँ. व्हाट आई मेंट टू से इज कि कितना नॉलेज डेफिसिट है मुझे नहीं मालूम. आई हैव नो आईडिया. एंड देन यू नो देयर इज अनदर थिंग. आप सर्जन है डॉक्टर पटेल सर. नेट पे जब मैं देखती हूँ तो दे से कि वो लिम्फैटिक चैनल्स को वीनस चैनल के साथ एस्टेमोसिस कर देते हैं. भाई एज पर माय स्टडी जो मैं तो वैसे डेंटल सर्जन हूँ. आई एम नॉट इवन एन एमबीबीएस बट व्हाट आई हैव स्टडीड दैट शुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. व्हाई डू यू नॉट टॉक अबाउट इट. व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट. व्हाई वेयर इज इट अवेलेबल. आई डू नॉट नो. मैडम नीरव है ना कोचीन में पढ़ा है. मैडम इट इज वेरी वाइडली अवेलेबल इन अवर कंट्री एंड मेनी सेंटर्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग इट. एक्चुअली मैडम नीरव है ना एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी है. उसका थीसिस एमसीएच का थीसिस लिम्फेडीमा था. उसको हमने उसलिए यहां बुलाया है कि ही इज एन एक्सपर्ट इन डूइंग इट. बस अब नीरव यू आर गोइंग टू बी अनदर ऑन माय फ्रेंड लिस्ट. श्योर मैडम आई विल बी वेरी ग्लैड. श्योर डेफिनेटली. और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि डॉक्टर सीमा को भगवान 100 साल जिए और हजारों और लाखों लोगों का अच्छा काम करे. वो क्वालिटी लाइफ चाहिए. लंबी लाइफ नहीं चाहिए क्वालिटी लाइफ. अरे मैडम जो मुफ्त में मिलता है सब ले लेने का मीडिया ने. बहुत अच्छा लगा. सेकंड थैंक यू राजेश सर. एक पॉइंट और. हाँ जी मैडम. एक पॉइंट और स्कार मोबिलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे. स्कार मोबिलाइजेशन के बारे में भी. स्कार मोबिलाइजेशन. स्कार मोबिलाइजेशन. यस नीरव. सर्वाइवर्स ने. हाँ तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है. मतलब मैंने जब से सीखा है तब से मैं लोगों को सिखाने लगी हूँ. मैंने भी एक पेशेंट से ही सीखा था. अब मैं सिखाती हूँ तो इम्पोर्टेंट है वो भी. एक्चुअली मैडम क्या होता है जब हम लोग सर्जरी में लगते हैं ना मानी जब पेशेंट कैंसर का आता है तो उसके दिमाग में पहला जीना होता है. तो हमारा दिमाग भी ऐसा हो जाता है. हम लोग साइड को देखते ही नहीं है. एंड बिलीव मी फॉर ऑल द पेशेंट्स व्हेन आई एक्सप्लेन देम एवरीथिंग दे आर सरप्राइज्ड व्हाई द हेल आई एम टेलिंग दिस. क्योंकि जब हम लोग जेनिटो यूरिनरी ट्रैक ट्रीट करते हैं ब्रेस्ट ट्रीट करते हैं हम टंग ट्रीट करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि मोबिलिटी क्या चीज होती है. तो अनफॉर्चुनेटली कोई बताता नहीं है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नाउ एज अ सेंसिबल क्लिनिशियन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट वी शुड कंपेल अवर अथॉरिटी दैट दे मस्ट हैव अ काउंसलर इन फ्रंट एज अ फ्रंट डेस्क गाइस एंड दे शुड हैव रिहैब गाइस एंड दे शुड स्टार्ट रिहैब स्टूडियोस. क्योंकि 5 साल के बाद हमको ऐसा लगता है साले जी तो गए बट ऐसा जीने भी क्या है. अच्छा नहीं लगता है ना. आई फील सो बैड. बिमला जी की तबीयत में थी नरमाई. लेने चली पर्ची में लिखी डॉक्टर की दवाई. दवा दोस्त से दवा लेते ही एक बात दिमाग में आई. पिछली बार दूसरी दवाई की दुकान पर तो ये दवा 200 रुपए की आई पर इस दुकान पर इसकी रेट 80 रुपए ही लगाई. सोचा सही भी है या नहीं ये दवाई.
अपनी शंका दुकानदार को बताई। दुकान वाले भैया ने समझाया, दवा सही है या नहीं इसका पता लगाना बिल्कुल है आसान, बस चार टिक ही तो लगाने हैं। आपको सिर्फ ये मिलाना है, दोनों दवाइयों के सॉल्ट एक जैसे है ना, दोनों दवाओं के डोज की मात्रा, दोनों दवाओं का फॉर्म, दवा का फार्म यानी दवाई टैबलेट या कैप्सूल है, सिरप है या फिर इंजेक्शन। अच्छा। चौथा है दोनों दवाइयों के सॉल्ट का रिलीज पैटर्न, एक ही है ना। रिलीज पैटर्न, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये भी दवाई पर लिखा होता है। SR यानी सस्टेन रिलीज और ER यानी एक्सटेंडेड रिलीज। अगर चारों टिक सही है तो समझो दवा भी है एकदम सही। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गई। दवा वही, दाम सही। दवा दो से घर बैठे दवाइयाँ मंगवाइए।